पलटवार, कहा धर्म और जात पर नहीं उपद्रवियों पर कार्रवाई की, दंगा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन में हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लिया जायजा। लोगों ने घर के बाहर लगाए ये मकान बिकाऊ है का बोर्ड, घर के बाहर खाना बनाने को मजबूर हुए लोग। मिशन 2023 को लेकर रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक, बूथ मजबूत करने पर फोकस। रमन सिंह ने कहा 10 दिन तक 10 घंटे बूथ पर बिताएंगे बीजेपी के नेता। रायपुर में फर्जी में पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर हंगामा, छात्रों ने के साथ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, एडमिशन सेंटर की परमिशन पर कॉलेज खोलने का आरोप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डूबने से 5 की मौत, केरवा डैम में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे, गरियाबंद के कुकुदा डैम में डूबने से 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना और आतंकियों में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जैनापुरा इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर राजनीति गर्मा गई है। 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे 10 केंद्रीय मंत्री। जी हां, केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर अब राजनीति गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे 10 केंद्रीय मंत्री। आकांक्षी जिलों का दौरा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। मंत्री हरदीप पुरी ने महासमुंद का दौरा किया है। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं चर्चा करेंगे आगामी दिनों में जब ये दौरा रहने वाला है। वहीं 18 अप्रैल को राजनांदगांव का दौरा करेंगे सिंधिया। अर्जुन मेघवाल बस्तर का दौरा करेंगे। बीजापुर के दौरे पर नित्यानंद राय रहेंगे। देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। वहीं भानु प्रताप सिंह करेंगे कांकेर का दौरा। अश्विनी चौबे कोरबा का दौरा करेंगे। महेंद्र नाथ पांडे नारायणपुर में दौरा करेंगे और रेणुका सिंह सुकमा का दौरा करने वाली हैं। जो मंत्री आ रहे हैं, जो केंद्र से आ रहे हैं मंत्री लोग, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं और वहाँ क्या करेंगे बैठ के, वहाँ का काम जो हुआ है, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देर इज अ सेपरेट फंड दैट इज बीन एलोकेटेड, सो उसके अंतर्गत काम हुआ है कि नहीं, इन सभी विषयों पर वो समीक्षा करेंगे। वाई आर दे वर्ड? Why is the Congress party worried? Why is the government worried? They have to help us and they have to cooperate with us and tell us whether the work is done or not. ये केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं, तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो आकांक्षी जिले हैं उसके भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, वो पैरामीटर को देखने आए हैं। बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांक्षी जिलों में, लेकिन इन आकांक्षी जिलों को कोई पैसा अतिरिक्त भारत सरकार नहीं देती। और देखने आए हैं, मैं समझता हूँ ये आए हैं अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करने अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं ऐसा मुझे लगता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी महासमुंद पहुंचे। यहां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नी लाल साहू, पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेवा का निरीक्षण किया। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी वो पहुंचे। शासकीय मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण कर आश्वासन दिया और दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में पदभार ग्रहण करते ही कहा था कि देश में लगभग 117 जिले ऐसे हैं जो दूसरे जिलों से कम विकसित हैं। ऐसे जिलों को प्रधानमंत्री आकांक्षी जिले के तौर पर चिन्हांकित कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने भी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले को गोद लिया है। तो एक आयुष्मान भारत जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि कुछ उसके तहत कुछ यहाँ पे काम हो रहा है। फिर मैं गया एक और जगह जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है और उसमें आगे भी हमें कुछ काम करना है।
मिशन 2023 को लेकर रायपुर में बीजेपी ने अहम बैठक की। इस दौरान बूथ को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रमन सिंह ने कहा कि मिशन 2023 को लेकर 10 दिन तक 10 घंटे बूथ पर बीजेपी के नेता बिताएंगे और महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। रमन सिंह ने कहा कि बूथ मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची बन रही है जो हर बूथ पर जाएंगे और समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। रमन सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा जो सभी विधानसभा क्षेत्र में चलेगा। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि संगठनात्मक मजबूती के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। बूथ और मंडल को मजबूत करना है। जिस तरह से खैरागढ़ में सभी ने मजबूती के साथ प्रचार प्रसार किया, उसी तरह से 2023 की चुनावी तैयारी भी करेंगे। जिस बूथ में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं वहां पर ज्यादा फोकस रहेगा। खैरागढ़ में सीएम बघेल हर 3 किलोमीटर में सभा करते थे। जिला बनाने की घोषणा उन्होंने की, यह उनकी मायूसी को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री आकांक्षी जिलों का दौरा कर जानेंगे कि वहां कितना काम हुआ है, केंद्र से जारी फंड के अंतर्गत काम हुआ है या नहीं। इन सभी विषयों पर वो समीक्षा करेंगे। मिशन 2023 में एक ही कार्यकर्ता आया, यही तो है। मेरा जैसे भी कार्यकर्ता हो, प्रदेश अध्यक्ष जैसे भी कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे भी कार्यकर्ता हो, बूथ में हम भी जाएंगे। हमको भी छुट्टा नहीं है, हमको भी अपने अपने बूथ की चिंता करना है। तो जब बूथ मजबूत होगा तो हम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर में मजबूत हो जाएंगे। कार्य विस्तार योजना, काम को आगे कैसे बढ़ाएँ संगठनात्मक दृष्टि से कार्य योजना को, और इसमें बूथ स्तर तक हर बूथ में हमारे पूरे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची बन रही है और वो कार्यकर्ता बूथ में जाके 10 दिन 10 घंटे, तो और एक शक्ति केंद्र में 4-5 बूथ होते हैं, उन बूथों में अपना समय करेगा, उस बूथ की संरचना को ठीक करेगा, वहाँ पे जो हमने 25 सदस्य बनाए थे उनका वेरिफिकेशन करेगा, उस बूथ के सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधि है तो नहीं है तो उसको जोड़ा जाएगा, महिलाओं के समूह से, युवकों के समूह से, वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं से, हितग्राही लाभ समूहों से सबसे बातचीत करके और वहाँ क्या स्थिति है इस दृष्टि में भी चर्चा होगा। राज्य में ना कोई योजना है ना उसका क्रियान्वयन हो रहा है, पता नहीं किसकी जानकारी देंगे। गांव वाले पूछेंगे कि क्या किया है मेरे भाई 3.5 साल में, 0/0 है। यहाँ पे हमने अच्छी रिजल्ट नहीं लेके आ पाए, वहाँ पे जरूर दे विल बी फोकस ऑन दैट एंड वी विल वर्क एंड वी विल सी हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर पार्टी देयर। नवीन जी जो सहप्रभारी है वो तो गए हैं सरगुजा, पूरा संभाग में उनका दौरा हुआ एंड वी हैव बीन डिवाइडिंग। हमारे बीच में ये जिलों का संभागों का हमने वी हैव डिवाइडेड अमंगस्ट आवरसेल्व्स एंड मैं नीचे से बस्तर से आऊँगा और ऊपर से नितिन नवीन जी आएंगे, वैसे हमने बांटे हैं काम हमारे बीच में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के अंबेडकर चौक पर आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम बनाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर चौक में नगर निगम द्वारा बाबा साहेब की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित, शोषित और वंचितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम सब नमन करते हैं। रायपुर में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। घर के अंदर संचालित हो रहे 4 कॉलेज फर्जी कॉलेज का खुलासा होने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। 3 साल से परीक्षा नहीं देने पर छात्रों ने यह हंगामा किया है। साईनाथ पैरामेडिकल के नाम से संचालित हो रहा है कॉलेज, करीब 300 से ज्यादा छात्र इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज की मान्यता नहीं होने का खुलासा भी हुआ, छात्रों ने हंगामा इसके बाद कर दिया। कथित संचालक नरेंद्र पांडे का इस दौरान एक बयान सामने आया है। कहा गया छत्तीसगढ़ का मान्यता नहीं है, सेंटर के रूप में संचालित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की मान्यता तो नहीं है लेकिन यहां पर सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है। रायपुर
सर मेरे को यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मैंने जब इनसे जानकारी चाहा तो हमें पुनः फिर गुमराह किया गया। हमारे पेरेंट्स मीटिंग में हमने इनसे प्रश्न कहा तो हमें धमकाया गया था। हम सभी कल विद्यार्थी 10 से 15 लोग सारे हम यूनिवर्सिटी गए हुए थे। यूनिवर्सिटी में हमने जाकर जब जानकारी ली तो हमें बताया गया है कि आपके यहाँ से जो आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ से ऐसा कोई कॉलेज हमारे यहाँ से टाई अप नहीं है और उनको कोई मान्यता नहीं है। कितने का परीक्षाएं नहीं हुई अभी टोटल? 28 लोग का नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ का पंजीयन है आपके पास? छत्तीसगढ़ का तो नहीं है, कहाँ कहाँ का है? सर यहाँ पे पंजीयन नहीं है, यहाँ पे हम बच्चों को केवल पढ़ाने का एक प्रकार से कोचिंग से पढ़ाते हैं। यहाँ पे पढ़ाने का आधार क्या है आपका? पढ़ाने का आधार मतलब हमारे पास में हम पढ़ाते हैं BMLT और DMLT का जो भी कोर्सेज जो भी सिलेबस है उसके आधार पे हम पढ़ाई करते हैं। आधार क्या है? अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलते हैं स्कूल खोलते हैं तो उसके लिए मान्यता की जरूरत होती है? बच्चे जो एडमिशन होता है वो सर शहडोल और मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में ही होता है। और सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा आज रहने वाला है। कृषि मेले में शामिल होंगे सीएम बघेल। नवा रायपुर में IAS कॉन्क्लेव में भी शामिल मुख्यमंत्री होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा आज रहने वाला है। तो बिलासपुर दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल IAS कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बघेल का दौरा जो रहने वाला है वो बिलासपुर का रहने वाला है। कृषि मेले में सीएम शामिल होंगे। कृषि मेले का आयोजन जो है वो किया जा है और इसी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। नवा रायपुर में IAS कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के कुकदा डैम में गुरुवार को युवती सहित 3 लोग डूब गए। इनमें से एक युवती और एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि एक युवक की तलाश जारी है। 3 लोग एक NGO के कर्मचारी हैं और अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कुकदा डैम पहुंचे हुए थे। पिकनिक मनाने आए हुए थे, इस दौरान कुछ लोग पानी में उतर गए थे जिस दौरान ये हादसा हुआ जिसमें 3 लोग डूब गए जिसमें से एक महिला 2 पुरुष थी। उसमें से एक महिला की डेड बॉडी हमें मिल गई है, बाकी 2 पुरुषों जो डूब गए हैं उनकी तलाश जारी है। दुर्ग में बिजली कनेक्शन के नाम पर हुए विवाद में मर्डर, चाकू से गोद कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, पुलिस जांच में जुट गई है। तो दुर्ग में बिजली कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद मर्डर कर दिया गया, चाकू से गोद कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि आरोपी फरार है, वारदात के बाद से तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना अंतर्गत राजीव नगर का मामला है जिसमें एक मृतक है रोहित साहू जिसको बबलू सोनकर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ये घटना शाम रात की है 9 बजे, जिसमें इनमें छोटी सी बात पर विवाद हुआ था। उसके पश्चात रात्रि को एडमिट कराया गया था और सुबह उसकी मृत्यु हुई। विवाद के कारण हुआ था जिसमें बबलू चंद्राकर अवैध तरीके से रोहित साहू के घर से बिजली का कनेक्शन लिया था जिसको लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। खबर अब कोरबा से। यहाँ स्वजातीय युवक से बेटी के विवाह करने पर कंवर पैकरा समाज ने एक परिवार को बहिष्कृत कर दिया। ऐसे में परिवार के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हुई हैं। इस परिवार के हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्हें गांव के पुश्तैनी मकान और खेती को छोड़कर दादर खुर्द में किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। परिवार का आरोप है कि इन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब पीड़ित परिजनों ने SB से बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गांव से हमला भगा दिए गए हैं, बहिष्कृत कर रहे हैं और धक्का मुक्की घर करके हमन मजबूरी बस में वहाँ जी डर में भागना पड़े हैं। का कारण था है? लड़की की शादी करें कहाँ करें? वो टिकट खुर्दा में है जिस पेंडा जिला ओवन के समझ में वही लगी कि आने जाती है वो एक भड़का थी और पूरा समाज घर परिवार हमारे रहती होती सब लेना चमकिन। इंद्रावती नदी जिसे बस्तर की प्राणदायिनी कहा जाता है, आज ये नदी सूखने की कगार पर है और बस्तर वासियों पर मंडरा रहा है एक भीषण जल संकट। हमारी रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी के बीच बस्तर वासियों पर पेयजल संकट का खतरा मंडराने लगा है।
ये तस्वीरें बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी की है। गर्मी की शुरुआत में ही नदी सूखने की कगार पर है। नदी का जल स्तर तेजी से घट रहा है और अब बस्तर वासियों के लिए महज कुछ ही दिनों का पेयजल बचा है। समस्या सिर्फ पीने के पानी तक ही सीमित नहीं है। जिले के दर्जनों गांव के लिए सिंचाई का एकमात्र सहारा इंद्रावती नदी का जल ही है। नदी में गहराते पेयजल संकट ने किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। लंबे समय से जोरा नाला में चेक डैम बनाकर बस्तर के हक का पानी देने के बाद ये 1992 के पहले से लगातार हो रही है, लेकिन न किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब बस्तर में बोधघाट परियोजना बन रही थी, उसी समय उड़ीसा में भी खातीगुड़ा डैम बन रहा था। वहाँ इंद्रावती में बांध तो बन गया, लेकिन बस्तर वाले कुछ नहीं कर पाए। स्थिति ये हुई कि इंद्रावती की तरफ में बस्तर की तरफ पानी आना ही बंद हो गया। इंद्रावती नदी में जल स्तर कम होने का सबसे बड़ा कारण है नदी में जल आपूर्ति का बाधित होना। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के बीच समझौते के मुताबिक छत्तीसगढ़ को 8 TMC पानी दिया जाना है, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 TMC पानी ही नदी में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंद्रावती नदी में भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। जोरा नाला में लगभग 73% पानी बह रहा है और इंद्रावती नदी में जो पानी आ रहा है वो लगभग 27% पानी आ रहा है। तो 50-50% के मतलब ये हुआ कि हम काफ़ी पीछे हैं और यही स्थिति रही तो आने वाले मई के महीने में ऐसा भी हो सकता है कि बस्तर सीमा की ओर पानी आना इंद्रावती नदी का बंद हो जाए। इंद्रावती नदी को सूखने से बचाने के लिए साल 2018 में इंद्रावती बचाओ समिति का गठन किया गया, जिसकी मांग पर सरकार ने इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अफसरों के मुताबिक इंद्रावती नदी का तेजी से सूखना चिंता का विषय है और जल्द ही इस मामले पर ओडिशा सरकार से बातचीत कर समाधान किया जाएगा। हम लोग पिछले 1-2 साल से कम प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में जो समस्या आती है उसका निजात पा सकें। पानी का जो हमको 50-50% मिलना चाहिए वो 21 तारीख को हमको लगभग 72% और 28% जो पानी है उसका जो डिस्चार्ज है उसका हमको मिल रहा है। चिलचिलाती धूप और पसीने से तरबतर कर देने वाली भीषण गर्मी, इस मौसम में पेयजल संकट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। इंद्रावती नदी को इस तरह उजड़ता देखकर लोगों का मन उदास है। ऐसे में अब सरकार से ही मदद की आस है। आशुतोष तिवारी, जगदलपुर से News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। दरअसल कुछ साल पहले उड़ीसा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौता में 50-50% दोनों ही राज्य को इंद्रावती नदी का पानी देने की बात कही गई थी, लेकिन उड़ीसा सरकार की वादा खिलाफी के चलते बस्तर में जल स्तर लगातार घटते जा रहा है और देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात का जलस्तर भी कम हो गया है और इस ओर राज्य सरकार भी अनदेखी कर रही है, जिसके वजह से लगातार पानी की समस्या मंडराते जा रही है। आशुतोष तिवारी, News24, बस्तर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हाथी के हमले से 5 ग्रामीणों की हुई मौत के बाद वन विभाग महुआ बीनने के लिए जंगल में घुसे ग्रामीणों को लौटा रहे हैं ताकि घटना ना हो। गांव में मुनादी कराकर अधिकारी कर्मचारी जंगलों में तैनात हैं। बता दें कि 32 हाथियों का दल टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विचरण कर रहा है। दरअसल इन्हीं दल के एक हाथी बिछड़ गया है जो आक्रोशित होकर लोगों के दिखने पर हमला कर रहे हैं, जो लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। गरियाबंद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई। हितग्राही खुलकर बोलने को तैयार अब हैं, लेकिन अधिकारी लिखित शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राही हो या फिर रेडी टू ईट से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं, सभी परियोजना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लिखित शिकायत की तो अधिकारी अब आरोपित अधिकारी का ही बचाव करते नजर आ रहे हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूँ बहुत। देखिए, हमको वहाँ घोषणा किए गए थे राजीव मेला में कि 25,000 का मिलेगा उनके, तो यहाँ तो 25,000 का हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा। तो मैं खुश नहीं हूँ ये सामान। मैं फंसे रही 6 लाख, तो मैडम परियोजना मैडम ना बोले कि निकाल दो कि के तो
पहले 80,000 कमीशन मांगे समझला और हमरे 80,000 ला जमा करके वो चला हमला दो पुलिस। छात्र हित में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, स्वामी आत्मानंद स्कूल में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। सीएम के ऐलान के बाद एडमिशन को लेकर यह आदेश जारी हुआ। लोक शिक्षण संचालनायक ने जारी किया है आदेश। अब 40 के बजाय 50 बच्चों को एडमिशन देने का ऐलान किया गया। सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिया है। अब हर कक्षा में 10 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ा फैसला लिया है और कहा यह गया है कि अब सीटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्यों को आदेश जारी किया है और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब हर क्लास में 10 अतिरिक्त बच्चे पढ़ सकेंगे। उनकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, सीटों की संख्या अब बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। एमपी के छिंदवाड़ा से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले का मास्टरमाइंड पहले ही खुदकुशी कर चुका है। बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले में एक आरोपी अब भी फरार है। फर्जी पासबुक के जरिए 10 करोड़ से अधिक का गबन किया गया था। तो बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले में एक कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि मास्टरमाइंड पहले ही खुदकुशी कर चुका है। ये घोटाले का मास्टरमाइंड जो कि पहले ही खुदकुशी कर चुका है इस पूरे मसले पर। पोस्ट ऑफिस घोटाले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। में ठगी के संबंध में एक सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में 2021 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक 214/2021। इसमें लगभग 8 करोड़ रुपए की गबन और धोखाधड़ी का ये मामला था और इसमें 3 अभियुक्तों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें से एक आरोपी प्रीतम सिंह ठाकुर को, जो मूलतः चौराई मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वहाँ से मध्य प्रदेश से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सुकमा से अब खबर, जहां इनामी नक्सली समेत 4 ने सरेंडर किया। 1,00,000 का इनामी नक्सली था ये। वहीं जगरगुंडा एरिया में सक्रिय थे नक्सली। नक्सलियों को अब सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। 4 ने सरेंडर किया है। इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि नक्सली पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित था। 1,00,000 का ही नक्सली था जिसने सरेंडर किया है। जगरगुंडा एरिया में ये नक्सली सक्रिय थे। जांजगीर चांपा में गुंडागर्दी देखने को मिली। ट्रक चालक पर पत्थर से हमला किया गया। हमले में ट्रक ड्राइवर को चोट आई है। पुलिस ने 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में गुंडागर्दी की तस्वीर कैद हो गई थी। अकल तरा पाराघाट टोल प्लाजा की पूरी घटना, जहां गुंडागर्दी की तस्वीर जो है वो देखने को मिली और ट्रक ड्राइवर को इसी दौरान हल्की चोट आई है। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ गुंडागर्दी करते हुए जो आरोपी हैं वो दिखाई दिए। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान ट्रक ड्राइवर को चोट भी आ गई है। ट्रक चालक पर पत्थर से यह हमला किया गया और उसी दौरान ट्रक ड्राइवर को चोट आ गई है। साथ ही ये भी जानकारी दें कि 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।